हेलो दोस्तों, माय नेम इज भूपेश आसुन। वेलकम टू द व्यू पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल ओवरहेड स्टैंड की। एक मोबाइल ओवरहेड स्टैंड जो आपके किसी भी वीडियो में, ऐसा वीडियो जिसमें आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हो, आप शेफ हैं तो अगर आप कोई डिश बना रहे हो उसका रिव्यू कर रहे हो, या फिर आप किसी मोबाइल फ़ोन का रिव्यू कर रहे हो, किसी ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का रिव्यू कर रहे हो, जब आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ऊपर से वो वीडियो बनते हैं जिसमें सिर्फ आपके हाथ दिखते हैं और प्रोडक्ट दिखता है। तो ऐसा अगर आपको वीडियो बनाना है, आप इंटरेस्टेड है ऐसे वीडियो बनाने के लिए, तो एक तरीके से आप उसको बना सकते हैं। और वो बनाने का सिंपल तरीका है ओवरहेड स्टैंड से। फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, प्राइस जो है वो आपको यहाँ डिटेल मिल जाएगी, 1100 से लेकर 1200 के बीच में मिलता है। अलग अलग कंपनी के मिलते हैं, लेकिन मैंने ब्रोलिविया का ऑर्डर किया था, मुझे ये थोड़ा अच्छा लगा था, इसी का रिव्यू करने वाला हूँ। और ये आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट की पूरी इसमें पैकिंग देख सकते हैं। और अब इसको अपन ओपन करेंगे फ्रॉम दिस साइड, इसको देखते हैं इसमें क्या क्या आता है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है। देखिए, सबसे पहले आपको दिखेगा मोबाइल का होल्डर, ठीक क्वालिटी में है। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिखेगा बहुत सारे प्रोडक्ट है इसमें, और भारी भी है। आपको दिखेगा एक टैबलेट का होल्डर, बहुत ही अच्छा होल्डर है ये भी। दूसरा आपको एक खूब दिखेगा जो आपके एक्चुअल में टेबल पे लग जाएगा, या फिर अगर आपके पास पलंग है जिस पे आप सोते हो, आप पीछे की तरफ रख के इसको आगे रखना चाहते हो तो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बट मैं नाइट टाइम पे अगर आप मोबाइल का यूज़ करेंगे तो वो आपकी आइज़ के लिए बहुत स्ट्रेन करता है। एक उसको होल्ड करने के लिए हुक, एक बॉल और ब्रोलिविया का मेन स्टैंड, दिस वन। इसकी क्वालिटी एल्यूमिनियम का स्टैंड है तो क्वालिटी काफ़ी हद तक अच्छी है। बड़ा ही सिंपल मैकेनिज्म है। पहले के ज़माने में अगर आप देखोगे मेरे पास लैंप आते थे, सेम वही टेक्नोलॉजी है, बस थोड़ा सा इसमें हुक चेंज हो गया, बाकी सब कुछ। चलिए इसको एक बार ज्वाइन करके देखते हैं, फिर देखते हैं कैसा लगता है ये। दोस्तों, अब लास्ट में मैं फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँगा कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो तो यही होगा। अब जो इसकी बिल्ड क्वालिटी और जिस क्वालिटी ऑफ द मटेरियल जो इसके अंदर आया है, ये मेरे पास आया है एक, आपको मैं बता देता हूँ। पहले मैं इसको ऊपर से ऑन कर देता हूँ ताकि ये आपको इसको ऊपर से वीडियो शो होता रहे। अब दोस्तों, वीडियो आपको ऊपर से भी शो हो रहा है, यहाँ से भी शो हो रहा है, सामने से भी। अब आप देखेंगे कि इसकी जो क्वालिटी है, इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ भी पैडिंग नहीं दी गई है, दोनों तरफ सिर्फ यहाँ पे पैडिंग दी गई है, यहाँ पे या यहाँ पे कोई पैडिंग नहीं है, ऊपर या नीचे कोई पैडिंग नहीं दी गई है। जबकि जो टैबलेट का होल्डर है उसके अंदर दोनों तरफ पैडिंग दी गई है, वो भी बहुत ही फ्लिमजी है। बाकी जो मटेरियल इसके साथ आया है वो अभी तक तो अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, यू नेवर नो किस तरह की क्वालिटी रहेगी एंड ऑफ द डे। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है, आपको परचेस करना चाहिए। जिस प्राइस रेंज में आता है ये अलग अलग वेरी करता है, ये 1000 से लेके 1100 के बीच में आता है। तो अगर आपको उस प्राइस रेंज में मिलता है, बहुत से ब्रांड है, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा क्वालिटी में कोई डिफरेंस होगा। लेकिन जो ये बॉल की क्वालिटी मुझे लग रही है, ये अच्छी लग रही है। और ये बॉल की क्वालिटी कहाँ काम आएगी, ये काम आएगी इसके अंदर। आपको जब इसको यूज़ करना पड़ेगा टैबलेट होल्डर के लिए, तब आप इसको एक्चुअल में इंसर्ट करोगे, और ये बहुत अच्छे साउंड के साथ बंद हो रहा है। उसके बाद आप ऊपर ये इसको यहाँ से लेके बंद कर देंगे और ये ऊपर फिट हो जाएगा। जब ये ऊपर फिट हो जाएगा इसमें, तब आप इसको यूज़ कर पाएंगे और टैबलेट को आई होप कि होल्ड कर देगा। इस पे मेरे को ओनली इसी पे मेरे को ब्रोलिविया की एक ब्रांडिंग दिखी है, बाकी कहीं पे भी नहीं दिखी है। तो ऐसा लगता है कि बहुत जेनरिक प्रोडक्ट है जिसको ये अलग अलग ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा है, बाकी कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब दूसरा जो मुझे प्रोज एंड कॉन्स इसमें अगर बात करेंगे, तो प्रोज के रूप में ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी स्टेबल है अगर आप इसको यूज़ करना चाहें। लेकिन अगर आप इसमें मोबाइल यूज़ करना चाहते हैं और उसको प्रॉपरली यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको इसमें एक्शन प्रो का ऐसा होल्डर, जो एक्चुअल में मैं आपको बता देता हूँ कि ये होल्डर डिफरेंट टाइप का होल्डर है, ये देखिए आप, इस टाइप का होल्डर जिसके अंदर यहाँ पे होता है और ये आप इसको स्क्रू और अनस्क्रू कर सकते हैं, वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब वो अगर आप यूज़ करेंगे तब ये बेटर होगा, अनलेस ये बेटर नहीं होगा। 1100 रुपये में आपको ऐसी क्वालिटी मिली, ये की क्वालिटी आपको 800 से 900 रुपये में मिल जाएगी, लेकिन काफ़ी हद तक ये अच्छी क्वालिटी है। लॉन्ग टर्म यूज़ करने के बाद मैं बताऊँगा कि किस तरह से इसका यूज़ हुआ। इसमें मुझे एक अच्छी चीज़ लगी कि जहाँ पे अटैच होता है, एक साइड इसमें पैडिंग दी गई है, जो मैं इस आर्म की बात कर रहा हूँ, ये नीचे की पैडिंग दी गई है और काफ़ी लाइट वेट है ये, लेकिन बहुत ही स्टर्डी है। तो लास्ट फाइनल वर्डिक्ट,
आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपको इस तरीके की ओवरहेड वीडियो चाहिए तो यस आपको ये लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपका वीडियो की जो क्वालिटी होती है एब्सोल्युटली डिफरेंट हो जाती है, और जो मुझे लगता है इट इज़ वर्थ इट। सो गिव इट अ बिग थम्स अप, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।